नाम है मूवी का रनवे 34। ज्यादा हमको लगा जाए उनके काम बढ़िया। आप तो बहुत जबरदस्त है। भाई आपने आपने स्वैग में थे और क्या। कब मूवी सबसे अच्छा था, इंटरवल के बाद? इंटरवल के बाद। और बाकी पहले ट्रिपल आर देखे थे, केजीएफ देखे थे, वैसा वाला फील था। अब उसके हिसाब से थोड़ा हम लोग का स्लो लगा। आउट ऑफ 5 कितना देंगे आप? 5। हम सोचे ज्यादा देंगे आप। रेटिंग के लायक है मूवी, 4 out of 5। बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। चल चूटा जी, प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। आप देख रहे हैं क्या बोलती है पब्लिक और मूवी रिव्यू फिर से एक लेकर आए हैं आपके सामने। नाम है मूवी का रनवे 34। अजय देवगन, अमिताभ बच्चन अभिनीत ये मूवी है, डायरेक्शन भी अजय देवगन का है। तो अभी हम पटना के फन रीजेंट सिनेमा के बाहर खड़े हैं, आप देख सकते हैं पीछे में। तो बस सिनेमा हॉल से लोग निकलने वाले हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। मूवी में सबसे अच्छा क्या लगा? ज्यादा हमको लगा अजय देवगन का काम बढ़िया। अजय देवगन का काम बढ़िया लगा? हाँ। सबसे अच्छा रोल किसका लगा? अजय देवगन का। अजय देवगन कब मूवी सबसे अच्छा था, इंटरवल के बाद? इंटरवल के बाद। और बाकी पहले? बाकी पहले नहीं। हो चलिए बढ़िया, चलिए आप लोग देख लीजिए। क्या जी सर, कैसा लगा मूवी? पैसा वसूल है या टाइम पास? अच्छा मूवी। एक मिनट जरा बोल लीजिए, किसका सबसे अच्छा लगा आपको कि कंटेंट? सारे लोग अच्छे से काम किए हैं और काफी मतलब अच्छा है। अजय देवगन का डायरेक्शन कैसा लगा? ये डायरेक्शन भी है इस मूवी में? बहुत अच्छा किए हैं। बहुत अच्छा? हाँ। अच्छा स्टोरी लाइन क्या है और स्टोरी लाइन क्या फीट बैठता है? कई लोगों ने मूवी को बोला स्लो है थोड़ा। ये स्लो नहीं है, अभी के लिए क्या है कि जो फर्स्ट हाफ तो बहुत जबरदस्त है। अच्छा। सेकेंड हाफ भी आपका मतलब ऑलमोस्ट मतलब कुछ पॉइंट लगा मुझे, बहुत अच्छा ओवरऑल, बहुत अच्छा। इसकी रेटिंग उतना अच्छा नहीं है। नहीं, बकवास तो है क्या रेटिंग देने वाले लोग? अच्छा मूवी आपको देख कर अच्छा लगा? हाँ। चलिए अच्छा बात है। तो देखिए ये थी लोगों की राय, अभी कुछ लोग और आ रहे हैं। हाँ जी भैया, आपके लिए इंतजार में, कैसी लगी मूवी आपको? अच्छा था भैया। अरे बोल दीजिए थोड़ा। अच्छा। कैसा लगा? सबसे अच्छा कौन किसका रोल? अजय देवगन। आउट ऑफ 5 कितना देंगे आप? 5। 5? हम सोचे ज्यादा देंगे आप। सबसे अच्छा लगा अजय देवगन। और किनका फैन है आप? फैन तो नहीं है मतलब, वैसे मूवी अजय देवगन का डायरेक्शन भी है इसमें अच्छा। हाँ एकदम डायरेक्शन स्क्रीन पे सर का भी चेहरा कैरी दिखाया था। भाई आपने आपने स्वैग में थे और क्या, क्या अब जलाओ नहीं और फटी देना चाहेंगे इस मूवी का? रेटिंग के लायक है मूवी, 4 out of 5। पूरे 4 देंगे। एक कहाँ काटे हैं आप लोग? थोड़ा सा मतलब लग रहा था एक हम। अच्छा कई लोगों ने मूवी कहा स्लो है, ऐसा है क्या? हाँ मतलब है, हम लोग को मतलब अभी है ट्रिपल आर देखे थे, केजीएफ देखे थे, वैसा वाला फील था। अब उसके हिसाब से थोड़ा हम लोग का स्लो लगा। नहीं ठीक है, देखने लायक है। अच्छा जैसे साउथ का मूवी का आप कंटेंट देखते हैं और ये बॉलीवुड का, अब अंतर दोनों में बहुत है ना? साउथ तो अब आगे बढ़ चुका है। अच्छा अब नहीं लेकिन वो एक अलग कैटेगरी का था। हाँ। वो एक अलग कैटेगरी, अलग स्टोरी है। हाँ, हाँ। वो एक्शन मूवी थी, ये थ्रिलर मूवी है। ये अपने में बेस्ट है, वो अपने में बेस्ट था। चलिए आपको लगता है हीरो पंथी का पीछा कर पाएगा? अरे हीरो पंथी तो वो क्या, उसमें तो सिर्फ उछल रहा है, वही तो उसको छोड़कर इसको आया उसमें कुछ। चलिए तो ऐसे देख लो, हीरो पंथी देख लो, वही है सेम मिलेगा आपको हीरो पंथी। और इसमें इसका जो सॉन्ग है वो कैसा लगा आपको? इसका सॉन्ग उतना कुछ है नहीं मतलब, वो बोल रहे कि सॉन्ग है ही नहीं, पता ही थोड़ा सा दिया था। थोड़ा सा ही है, नहीं है, दो सॉन्ग है, द फॉल है और एक मित्रा रे है। कौन सा सॉन्ग आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा सॉन्ग प्रॉपर है, लिरिकल में ही है। हाँ हाँ मित्रा रे है मतलब सिचुएशन के अनुसार है, ज्यादा हैवी सॉन्ग डाला नहीं गया इसमें। अच्छा भाई मित्रा रे है अरिजीत सिंह का और द फॉल है एक नया आर्टिस्ट है कोई। टिकट खरीदना चाहिए हमको भी देखने के लिए? हाँ खरीदना चाहिए, जरूर खरीदना चाहिए। आज तो मतलब हॉल में कम भीड़ था लेकिन खरीदना चाहिए। फर्स्ट शो आप देख रहे हैं? हाँ फर्स्ट शो देख रहे हैं। देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए, देखने लायक है मूवी, पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। और फैमिली के साथ देख सकते हैं? फैमिली के तो देखिए ये था लोगों की राय। बाकी आपने भी अगर मूवी देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको। बाकी हीरोपंती 2 का भी रिव्यू सच बिहार पे आपको क्या बोलती है पब्लिक के माध्यम से दिख जाएगा। तो अपनी कमेंट दे दीजिए। सच बिहार को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, पेज पे देख रहे हैं फेसबुक पेज पे, तो पेज फॉलो कर लीजिए। देखते रहिए सच बिहार।